तो दोस्तों इतने दिन बाद और लगातार डिले के बावजूद हाइडोस 380 फाइनली प्ले स्टोर पर आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो पर हम इसका एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि गेम कैसा है क्या है, तो जरूर इस वाले वीडियो को एंड तक देखना। और साइज इसका है लगभग 470 MB के आसपास, जो कि मतलब कि काफी ज्यादा है आई थिंक। मतलब कि यार मुझे लगा बिगिनर स्टेज के हिसाब से इसका साइज जो है वो 150 से 200 MB के बीच में ही होना चाहिए था, पर जो भी हो यार, अगर आप इधर एकदम नए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और वॉच टाइम के सिर्फ 10-15% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा मत करो भाई यार, सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम लोग जो है वो 13K के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर देना। तो एनीवेज, तो फिर चलो दोस्तों बिना किसी वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल के मनी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है smashup32.com। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे गेम्स खेलकर आप पैसे को अर्न कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको गेम्स खेल के पैसे को सिंपली लगाना होता है, मतलब सिंपली आपको प्रेडिक्शन करके पैसे को बेट लगाना पड़ता है। तो आप भी ठीक इसी तरीके से ही और दूसरे वाले गेम्स के ऊपर या फिर इन्हीं सारे गेम्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो और जीते हुए पैसे को अपनी बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो वेल, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गो एंड चेक इट आउट। दोस्तों अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा हाइप इसके ऊपर बना के रखा गया था, तो क्या उतने एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये गेम खरा उतर पाया है? तो वेल, आंसर होगा कुछ केस पर यस और ज्यादातर केस पर नो। और पता नहीं क्या देख के, लेकिन ट्रेलर पर काफी सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट था कि इसका कुछ कुछ चीजें क्रिकेट 19 से सिमिलर है। अब क्या देखे आपको ऐसा लगा था वो तो यार मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट 19 से इसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता है नहीं। 1% भी चीज मुझे क्रिकेट 19 से ना ही सिमिलर लगा और ना ही इंस्पायर्ड लगा। तो खैर, आपको क्या लगा मुझे नीचे कॉमेंट करके आप बता सकते हो। खैर, स्टार्ट करते हैं इसके मेन्यू से। तो वेल, ऑनेस्टली बताऊं तो मेन्यू जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। होम के अंदर आपको सबसे पहले ये सब चीज देखने को मिल जाते हैं, तो इन पे डिटेल में जाएंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं सारे अदर टैब्स के बारे में। तो दूसरे टैब पर आते हैं, तो दूसरे टैब पर आए तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं टूर्नामेंट। तो वेल, टूर्नामेंट इतने सारे देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि सारे के सारे जो टूर्नामेंट्स है वो लॉक्ड है। अनलॉक करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। और प्रोफाइल पर जाके देखें तो ये मतलब कि आपका बेसिक प्रोफाइल है, इसके अंदर आपका सारा स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सोशल पर ये उनका सारा सोशल मीडिया हैंडल्स है। और स्टोर पर आप इस गेम का जो इन गेम करेंसी है उनको, उन सबको परचेज वगैरह कर सकते हो। और किट्स वगैरह पर जाके आप उन सबको मैनेज कर सकते हो, एनेबल डिसेबल वो सब कर सकते हो। अब वेल, ये सब तो रहा मेनू के बात है। अब होम पर आपको पता होगा कि काफी सारी जो चीजें थे, मतलब कि आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें था वहां पर, लेकिन उस पर जाने से पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार भाई, गेम प्ले मोड्स के बारे में जान के हम क्या करेंगे जब हमको गेम प्ले के बारे में ही पता नहीं है। तो सही बात है बिल्कुल। तो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं गेम प्ले के बारे में। तो सबसे पहले बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। तो बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इधर आपको काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं।
मतलब कि इनकट डालना चाहते हो, रिवर्स स्विंग जो भी है, तो यहाँ पर आप किसी एक को यहाँ पर आपको चूज करना होता है सबसे पहले। फिर आपका इधर जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पर आपका करना होता है, किस मतलब कि किस पोजीशन पर आप बॉल को डालना चाहते हो। देन फाइनली आपको जो स्पीड है उसको डिसाइड करना होता है, नो बॉल वगैरह इधर हो सकता है, और उसके बाद जाके आपका जो बॉल है वो रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली ये रहा बेसिक आपका बॉलिंग वाला सेटिंग। तो वैसे मैच शुरू होने से पहले आपको काफी बढ़िया एनिमेशन भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये सब तो चीज मतलब कि मुझे ठीक ठाक ही लगा। और अभी तक जितने सारे चीजें हमने देखा उनमें से चलो रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनू को रेटिंग जाएगा 4.5, और जो हमारा प्री एनिमेशन है उसको जाएगा 4 out of 5, टूर्नामेंट को जाएगा 1 out of 5 क्योंकि सारे के सारे पेड है, और बॉलिंग को जाएगा 3.2 out of 5। अब यार दोस्तों गेम प्ले के अंदर सिर्फ बॉलिंग तो होता नहीं है, तो चलो बात करते हैं बैटिंग के बारे में। और हाँ यार फील्डिंग भी था एक, तो फील्डिंग वैसा कोई मतलब कि बहुत ही हार्ड वाला फील्डिंग नहीं है। तो जब आपका जो फील्डर है वो बॉल को पकड़ेगा तो यहाँ पर आपको स्ट्राइकर या फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल को फेंकना है, वो दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो फील्डिंग वाला कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बैटिंग कंट्रोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो बैटिंग कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सारे बॉल पर आप छक्का नहीं लगा पाओगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। आपके टाइमिंग परफेक्ट होने पर ही आप जाके एक चौका लगा पाओगे, और वही चार चार लगा कर ही आपको मीटर को अपना बढ़ाना होगा, तभी जाके आप एक लॉफ्टेड शॉट को खेल पाओगे। तो इन शॉट आपको एक अच्छा ऑप्टिमम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो बैटिंग को हम रेटिंग देंगे 4.2 out of 5, और ग्राफिक्स और कटसिंस की देखे तो ग्राफिक्स इतना तो बुरा है नहीं, तो इसको हम देंगे 3.6 रेटिंग। और कटसिंस भी भले ही इतना ज्यादा बुरा नहीं है, मतलब कि अच्छे हैं, लेकिन मेरे फोन पर तो थोड़ा यहाँ पर लैग करता हुआ जैसा मुझे दिखा, तो इसको मैं दूंगा 3.2 out of 5। वैसे आपके फोन पर जो यह कटसिन है वो सही से चला या फिर ऐसा लैग करा मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। अब दोस्तों बात करते हैं चलो गेम प्ले मोड्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइडोस 380 चैलेंज देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि होम पर काफी सारे गेम प्ले मोड्स थे ना, तो उन्हीं में से ही एक है हाइडोस 380 चैलेंज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अपना जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना वाला कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने इधर अपना जो रोशन वाला कैरेक्टर है उसको बिल्ड किया है, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब दिख रहा है। तो जो भी हो, तो बेसिकली अपना यही वाला कैरेक्टर को लेके आप अपना रन वगैरह कर सकते हो, और चैलेंजेस वगैरह विन होकर लीडर बोर्ड वगैरह पर आप अपना नाम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि ऐसा थोड़ा बहुत मजे आप ले सकते हो एक करियर, छोटा मोटा करियर टाइप के गेम के हिसाब से, मतलब कि ये चीज तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है ही। और ये दो मोड के अलावा आपको एक करियर चैलेंजेस वाला मोड भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी खेले हुए मैचेस को आज चैलेंज आपको खेलना होता है, मतलब कि सपोज इस वाले मैच पर मैथ्यू ने 50 रन बनाया था 98 बॉल पर, ठीक है। तो अगर आप ये वाला मतलब कि यही इनिंग्स को दोबारा से खेल पाओगे तो यहाँ वाला जो चैलेंज है वो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो मतलब कि यही वाला कुछ यहाँ पर चैलेंजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, बाद में आपको कई सारे हायर स्ट्राइकर रेट वाले चैलेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये सब तो काफी ज्यादा अच्छा है ही। तो उसके बाद फाइनली आता है क्विक प्ले वाला मैच मोड। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि सबसे पहले आप इंटरनेशनल के सारे टीम्स को यहाँ पर चूज कर सकते हो, फिर आप आईपीएल का चूज कर सकते हो, और बीबीएल का भी चूज कर सकते हो। हालांकि आपका जो नाम है वो तो यहाँ पर आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगा, पर यार आपको आईपीएल बीबीएल और इंटरनेशनल देखने को मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको और ज्यादा इसमें टीम्स की रिक्वायरमेंट होगा। पर हालांकि पीएसएल सीपीएल ये सब चीज भी ऐड हो सकता है, मतलब कि होना चाहिए था, पर अभी के लिए तो यहाँ पर है नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो खैर अभी मल्टीप्लेयर मोड वाला जो है वो अभी कमिंग सून पर है, और वो मतलब कि बहुत ही जल्दी वो वाला चीज भी आ जाएगा, और प्रॉपर आईपीएल वाला जो टूर्नामेंट है या फिर सारे के सारे जो वर्ल्ड कप वगैरह है वो सब तो खैर लॉक्ड ही है। तो बेसिकली यही सारे चीजें है इस गेम के अंदर। आपको ये गेम कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो ये गेम मतलब कि काफी ठीक ठाक और डिसेंट ही लगा। और ओवरऑल गेम को रेट करें तो इसको मैं दूंगा 3.9 out of 5। आप अपना जो रिव्यू वाला कमेंट है वो नीचे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हो, मतलब कि बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स का वेट करूंगा। पर फिलहाल के लिए दोस्तों इस वाले वीडियो को एंड करने का टाइम अभी फिलहाल आ चुका है, लेकिन उससे पहले यार चलो जल्दी से बात कर लेते हैं आज के वीडियो के शाउट आउट के बारे में, और उसके बाद ही जाके हम इस वाले वीडियो को एंड कर देंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं साउट आउट का रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, मतलब कि मैंने अभी तो साउट आउट का यहाँ पर चूज किया नहीं है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको सारे साउट आउट्स के जो कमेंट्स है वो देखने को मिल जाता होगा, मतलब कि आपको मिल रहा होगा ऐसा, जब मैं एडिट कर रहा हूँगा तो इसको मैं डाल दूंगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा मतलब कि आप इधर उधर देख लेना। अब दोस्तों यार साउट आउट तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको इतने सारे कमेंट्स वगैरह करने के लिए। अगर आप इधर नए हो और आप चाहते हो कि मैं आपको ठीक ऐसे ही छोटा सा साउट आउट दे दूँ बस अपनी अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तो बस इसी वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वाले वीडियो पर ठीक ऐसे ही शाउट आउट मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक कमाल के नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।